एनर्जी स्टोर एंड इंडक्टर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन बोर्ड के अंदर आ सकती है, इसके फॉर्मूलाज कॉन्सेप्चुअल के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत यूज होने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला बुकलेट में ये भी फॉर्मूला नोट करो कि एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, ये डायग्राम बना लो कि अगर ये एक इंडक्टर है और किसी भी टाइम पे इसमें अगर मान लो आई करंट है, और आई करंट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी जिसको मैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू एल इंटू आई का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, एल, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला नोट करें, मैक्स मैग्नेटिक एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इसका प्रूफ करते हैं, इसके प्रूफ में बेसिकली क्या है, देखो एनर्जी स्टोर्ड किसी भी फील्ड की फॉर्म में होती है। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हो कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स के ऊपर प्लस माइनस चार्ज लेके आते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक जितने फील्ड हैं उतनी एनर्जी है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप कभी भी अगेंस्ट काम करते हो किसी भी चीज़ के, एनर्जी का तब पता लगता है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग एनर्जी भर जाती है, वो अपनी रिस्टोरिंग जो रिस्टोर होने की कोशिश करता है, पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज भरते हो, होता क्या है कि आप एक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी प्लेट को देते हो तो एक के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं नेगेटिव, एक के ऊपर डेफिशिएंसी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। वो जो वर्क डन किया जाता है इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में घुमा के रखने के लिए, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर हो जाता है उस कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यही रीजन था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर बेसिकली वर्क डन होने वाला है, क्या वर्क डन होने वाला है, आपने एक इंडक्टर लिया, आपने एक बैटरी ली, आपने बैटरी ऑन की, इंडक्टर में आपने ये चाहा कि करंट बढ़े। अब करंट बढ़ नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इंडक्टर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो जब वो अपोज कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द इंडक्टर। तो वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें बी जनरेट हो जाता है, बी बढ़ता जा रहा है और वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आई करंट प्रोड्यूस करने के लिए, आई करंट इंडक्टर में लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, अगर मैं ये निकाल दूं वही अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। तो कितना वर्क डन किया, डी डब्ल्यू बाई डी टी पावर इज ई इंटू आई। ई एम एफ जो डेवलप होती है मैग्नीट्यूड में इंडक्टर में, एल इंटू डी आई बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसल, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ ताकि स्मॉल करंट इंक्रीज हो जाए इंडक्टर में डी आई। टोटल करंट अगर आप आई नॉट इंक्रीज करना चाहते हो या आई इंक्रीज, जो भी लिमिट लगानी है आई लिमिट लगा दो, आई इंस्टेंटेनियस करंट है, अगर आई करंट कम होगा तो कम एनर्जी हो जाएगी, आई नॉट होगा तो मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। एल बाहर आ गया, आई स्क्वायर बाई टू, तो ये फॉर्मूला हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम एनर्जी, लेकिन अगर आई की वैल्यू कम होगी तो फिर कम एनर्जी, अगर जीरो होगी तो कोई एनर्जी नहीं। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें प्लीज़, हाफ एल आई स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।